इसको देखें, देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको एक पार्ट में और फिर प्लस के बाद जो है वैल्यू है इसको एक पार्ट में। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो सकता है, ये दो से मैं काटूंगा, दो दूनी चार, दो पचे दस, यानी 3 दूनी 6/25, माइनस का 1/5, एलसीएम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 6 माइनस का कितना हो जाएगा 5, यानी कि 1/25। यहाँ पर जो वैल्यू है 1/25 है। अब हम इसको देखते हैं भाई, 5 × 20 = 24। सब इससे पहले ऑफ का हम क्रियाक्रम करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 5 × 20 = 24/5 डिवाइड कितना हो जाएगा आपका 3, 24/5 मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 8 बार में। तो यहाँ पर जो वैल्यू है निकलकर 8/5 निकल कर आई, और यहाँ पर था आपका 1/25 प्लस में 1/25, तो हो जाएगा कितना आपका 25, एलसीएम हो जाएगा 40 + 1, यानी कि 41/25, ऑप्शन नंबर डी।